हेलो नमस्कार दोस्तों, का बहुत स्वागत है वी लव डॉग्स के एक और फ्रेश एपिसोड में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सेंट बर्नार्ड के बारे में। तो जानते हैं इसकी कहानी अमन की जुबानी। तो सबसे पहले जानते हैं सेंट बर्नार्ड एक लार्ज साइज के डॉग्स होते हैं जो कि वर्किंग डॉग की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इन ईयर 1050 एक मंक थे जिन्होंने एक हॉस्पिस एस्टैब्लिश किया उन टूरिस्ट लोगों की हेल्प करने के लिए जो कि रोम जा रहे थे। पर इनमें से काफ़ी सारे टूरिस्ट की जान इसलिए चली जाती थी कि वो बर्फ़ में धंस जाते थे और वहीं दबे रह जाते थे। तो इस चीज़ को देखते हुए मंक्स ने एक ऐसी डॉग ब्रीड को डेवलप किया जो कि काफ़ी लार्ज पावरफुल और इस चीज़ में कैपेबल हो कि वो उन लोगों को सूंघ के रेस्क्यू कर सके, जो कि सेंट बर्नार्ड है। जैसा कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि सेंट बर्नार्ड की गर्दन पर ब्रांडी बांध दिया जाता था ताकि जब भी वो लोग को रेस्क्यू करे तो वो लोग बर्फ़ में से बाहर आके ब्रांडी पिए और अपने आप को गर्म कर सकें। पर अमेरिकन कैनन क्लब के हिसाब से ये ऐसी बात नहीं थी, उनके गर्दन पे ब्रांडी नहीं बांधा जाता था। 3 सेंचुरी के दौरान सेंट बर्नार्ड ने 2000 से भी ज़्यादा लोगों की जान बचाई है बर्फ़ में से निकाल के। अमेरिकन कैनन क्लब ब्रीड पॉपुलैरिटी की लिस्ट में सेंट बर्नार्ड 48 रैंक पे आते हैं। सेंट बर्नार्ड को उनके अच्छे नेचर की वजह से जेंटल जाइंट भी कहा जाता है क्योंकि ये बच्चों के साथ और बड़ों के साथ दोनों के साथ ही काफ़ी अच्छे से रह लेते हैं। तो अब जानते हैं इनके ऑरिजिन के बारे में। तो सेंट बर्नार्ड का ऑरिजिन स्विट्ज़रलैंड से है। तो अब जाएँ इनके हाइट के बारे में। तो इनमें मेल्स की हाइट 70-90 सेंटीमीटर आराम से हो जाता है और वहीं फीमेल्स की हाइट भी 65-80 सेंटीमीटर आराम से हो जाता है। तो अब जाएँ इनके वेट के बारे में। तो इनमें मेल्स का वेट 64-82 केजी आराम से हो जाता है और वहीं फीमेल्स का वेट भी 84-64 केजी हो जाता है। अब जाएँ इनके लाइफ स्पैन के बारे में। तो सेंट बर्नार्ड का लाइफ स्पैन 8-10 ईयर्स का होता है। तो अब जाएँ इनके कोट के बारे में। तो सेंट बर्नार्ड 2 टाइप के कोट में पाए जाते हैं, शॉर्ट हेयर्ड, लॉन्ग हेयर्ड। काफ़ी सारे लोग सेंट बर्नार्ड सिर्फ इसलिए पालते हैं क्योंकि उनको शो ऑफ करना होता है, क्योंकि सेंट बर्नार्ड काफ़ी बड़ी डॉग ब्रीड है और ये किसी को भी अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ, इसलिए लोग पाल लेते हैं। पर हॉट क्लाइमेट में सेंट बर्नार्ड को काफ़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है जो कि वो अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाते, उनको सिर्फ दिखावे से मतलब है। और सेंट बर्नार्ड जब बूढ़े हो जाते हैं तो काफ़ी सारे बड़े डॉग जैसा इनको भी चलने में प्रॉब्लम होने लगती है और इनको बोन रिलेटेड इशू हो जाते हैं। तो एक सेंट बर्नार्ड पालने से पहले आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा कि आप उसके बुढ़ापे में भी उसका साथ दे पाएंगे या नहीं। तो अब जाने थे कि आपको सेंट बर्नार्ड लेना चाहिए या नहीं। तो अगर आप एक ठंडी जगह पर रहते हैं और आप एक सेंट बर्नार्ड जैसे बड़ी डॉग ब्रीड का केयर कर पाएंगे तो आप सेंट बर्नार्ड बिल्कुल ले सकते हैं। पर वहीं अगर आप एक गर्म जगह पर रहते हैं तो आपको इनकी एक्स्ट्रा केयर करनी होगी। तो इन सब बातों का ध्यान रख के ही सेंट बर्नार्ड लीजिएगा। सेंट बर्नार्ड से एक काफ़ी अच्छी डॉग ब्रीड को डेवलप किया गया है जिसका नाम है मॉस्को वॉच डॉग। ये डॉग ब्रीड दिखते हुए सेंट बर्नार्ड जैसा है, इनकी बॉडी भी सेंट बर्नार्ड जैसा होती है, इंटेलिजेंस भी सेंट बर्नार्ड जैसा होता है, पर इनकी जो गार्डिंग एबिलिटी है वो काउकेशियन शेफर्ड जैसी होती है क्योंकि ये सेंट बर्नार्ड और काउकेशियन शेफर्ड का मिक्स है। पर इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप एक सेंट बर्नार्ड पपी लेने वाले हैं तो ये स्क्रीन पे वीडियो आ रही है हाउ टू चूज़ बेस्ट पपी फ्रॉम लिटर, इसको देख लीजिएगा, इससे आपको हेल्प हो जाएगी। तो बस आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कौन सी डॉग ब्रीड बनाऊँ ये मैं कमेंट कर बताइएगा। वीडियो कर दिया लाइक शेयर, चैनल कर दिया सब्सक्राइब, बेल आइकन कर दिया मुक्का मार के फोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।